मुजफ्फरपुर, मैं हेमा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों की ओर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। मेयर ने स्मार्ट सिटी लिमिटेड के निदेशक पद से दिया इस्तीफा, कहा मेरी बात नहीं मानी जाती थी। डकैती की योजना बना रहे 5 शातिर अपराधियों को पुलिस ने हथियार के साथ किया गिरफ्तार। और स्मार्ट सिटी के कार्यों से खफा लोगों ने इमली चट्टी चौक को घंटों जाम कर बवाल काटा। तो ये थी आज की कुछ मुख्य खबरें, और अब खबरें विस्तार से। मेयर राकेश कुमार पिंटू ने मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के निदेशक पद से इस्तीफा देते हुए कहा कि मेरी कोई बात सुनी नहीं जाती। मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड इन दिनों चर्चा में है, क्योंकि स्मार्ट सिटी के कार्यकाल में 2 युवकों की मौत के बाद भी स्मार्ट सिटी लिमिटेड की कार्यशैली में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। स्मार्ट सिटी के कार्य कर रहे कंपनी की उदासीनता के कारण मंगलवार को महापौर राकेश कुमार पिंटू ने स्मार्ट सिटी लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा के बाद उन्होंने स्मार्ट सिटी के MD विवेक रंजन मैत्रे के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें हिटलर तक बता दिया है। वैसे भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कार्यकाल 9 जून को समाप्त हो रहा है, पर 1 महीने पहले ही उन्होंने अपना इस्तीफा नगर विकास एवं आवास विभाग प्रधान सचिव को भेज दिया है। बिल्कुल ये सही बात है कि जैसा स्मार्ट सिटी का रवैया है, उस हिसाब से आने वाले टाइम में ये शहर हादसों का शहर हो जाएगा। अगर ये लोग अभी से नहीं चेते तो आए दिन मौतें होंगी, क्योंकि आने वाले दिनों में बरसात होने वाली है। जहाँ जहाँ बारिश होगी वहाँ गड्ढा में और जहाँ पानी जल जमाव में कहीं नज़र नहीं आएगा। इन लोगों के कारण पूरा शहर इस बार जल जमाव झेलेगा। हमने बार बार इनको निवेदन किया, स्मार्ट सिटी के अधिकारी जो हैं उनको और CEO को और MD को, जो हमारे MD जो हमारे नगर आयुक्त महोदय हैं, उनको भी मैंने बार बार बोला कि आने वाले टाइम में काफ़ी दिक्कत होगी, आप इसको ध्यान दें। लेकिन वो लोग, उनके कान पर जू नहीं रेंग रहा है, वो ध्यान देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। 2 लोगों की मौत हो चुकी है, इसका जिम्मेवार किसे समझते हैं आप? इसका जिम्मेवार सीधे सीधी स्मार्ट सिटी के प्रशासक हैं और जो भी अधिकारीगण हैं वो हैं इसमें। शहरवासियों के लिए क्या कहना चाहेंगे इस स्थिति में? अगर मान लीजिए शहरवासियों को हम यही कहना चाहते हैं कि अगर मान लीजिए आने वाले दिनों में स्मार्ट सिटी नहीं चेता ढंग से नहीं काम करा तो हम आंदोलन करेंगे इसके लिए। नगर आयुक्त किसी की सुनते ही नहीं है, वो हिटलर हो गए। आज के डेट में वो हिटलर की उपाधि देना बिल्कुल सही है, क्योंकि आए दिनों में व्यापारियों को परेशान करना, जगह जगह यूजर चार्ज के नाम पर पैसा वसूली करना, फिर आपको नया नवीनीकरण कराना है उनको बैंक रोड में, उसका नवीनीकरण नहीं करा रहे हैं। जो भी दुकान स्टॉल है वो उसी तरह पड़ा हुआ है, कोई आदमी वहाँ पैसा देने के लिए तैयार है, वहाँ के दुकानदार कहते हैं कि हम भुगतान करते हैं, आप मेरा ये रिन्यूअल कर दीजिए, ये रिन्यूअल करने के लिए तैयार नहीं है। 19 मई को बैठक, अपने बिजनेस बैठक भी बुलाई है और सशक्त समिति की भी बैठक, उसमें क्या ये जो बातें आप कह रही हैं वो आप उठाएंगे? सशक्त स्थायी समिति की बैठक चूंकि मैंने बुलाई है तो इस बात को हम उसमें उठाएंगे, और मैं विशेष बैठक में हमने कोई विशेष बैठक नहीं बुलाया है। शहर में चल रहे स्मार्ट सिटी के कार्यों से खफा होकर स्थानीय लोगों ने इमली चट्टी चौक को जाम कर घंटों बवाल काटा। शहर में स्मार्ट सिटी के तहत जगह जगह नाला और सड़क निर्माण का काम चल रहा है, इस कारण शहर की हालत नरकीय हो चुकी है। दुकानों के आगे महीनों से नाला खोदकर छोड़ दिया गया है, लेकिन निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ। इसे लेकर मंगलवार को इमली चट्टी में दुकानदारों का आक्रोश फूट पड़ा। सैकड़ों की संख्या में दुकानदार सड़क पर उतर गए, टायर जलाकर अगजनी कर जाम कर दिया। गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गई। इस महाजाम में कई एम्बुलेंस और लगभग 1 दर्जन बच्चों से भरी स्कूली बच्चे 3 घंटे से अधिक देर तक फंसी रही। आपको बता दें कि तकरीबन 3 घंटे बीत जाने के बाद भी जिला प्रशासन के कोई अधिकारी जब नहीं पहुंचे तो लोगों ने स्वतः जाम को खत्म कर सड़क पर से हट गए। स्थानीय लोग विजय कुमार और लोगों ने बताया कि 14 अप्रैल को सभी दुकानों के आगे नाला निर्माण के लिए गड्ढा खोदकर छोड़ दिया गया था, लेकिन निर्माण का कोई काम नहीं हुआ।
हम लोगों ने डीएम से लेकर निगम और स्मार्ट सिटी के अधिकारियों को भी इससे अवगत कराया, शीघ्र काम पूरा करने की मांग भी की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ दुकानदार ठेकेदार को रिश्वत देकर अपनी अपनी दुकान के आगे काम करवा रहे हैं, जबकि हम लोग रिश्वत नहीं दे रहे हैं तो हमारा काम नहीं हो रहा है। हम लोगों ने जाम करने की सूचना 2 दिन पूर्व ही जिला प्रशासन को दे दी थी। जब तक संबंधित अधिकारी नहीं आएंगे और हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा, जाम नहीं हटाया जाएगा। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, लेकिन कोई भी समझने को तैयार नहीं है। शहर में लगे जल जमाव, गंदे पानी पीने को मजबूर तथा नाला निर्माण को लेकर आज इमली चट्टी चौक को स्थानीय लोगों ने जाम कर दिया। हम आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे, पीछे की तस्वीर देखिए। तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं जाम को और लगातार ये जाम जो है वो बरकरार है। इस जाम में कई स्कूली बस जो है वो फंसे हुए हैं। स्थानीय लोग नगर निगम के खिलाफ जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका क्या डिमांड है, क्या कहना है, हम इन्हीं से बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। क्यों आज आप लोगों ने ये सड़क जाम किया? ये सड़क जाम नहीं किया गया है, जिला महोदय जिलाधिकारी को हमने एक ज्ञापन दिया था 14 तारीख को, जिसमें लिखा गया है कि शहर में जो स्मार्ट सिटी के तहत काम हो रहा है उसमें जगह जगह नाला खोल के छोड़ दिया गया है। हमारे एक बच्चे कुछ दिन पहले, एक हफ्ता पहले उसमें गिर गए थे, जिसमें छर है, सारा चीज़ है और वो बहुत डैमेज हो गए थे। मैंने जिलाधिकारी को ये ज्ञापन दिया, नगर निगम को ज्ञापन दिया, स्मार्ट सिटी को ज्ञापन दिया, लेकिन कोई भी सुधार नहीं हुआ है। जगह जगह नाला जो खुल गया है उसकी वजह से यात्रियों को बहुत दिक्कत हो रहा है। ये शहर का आम चौराहा नहीं है, ये शहर का हार्ट ऑफ सिटी इमली चट्टी है। सरकारी बस ट्रेन रेलवे स्टेशन जो शहर को चारों तरफ से हमारा जोड़ता है, वहाँ पे चारों तरफ से नाला का उगाही करके नगर निगम स्मार्ट सिटी में कोई भी काम नहीं किया जा रहा है। हम लोग क्या करें, हम लोग ने ये जाम नहीं किया है, हम लोगों ने ये आवेदन दिया था। जाम यहाँ के लोग अतिथि और यहाँ के मल्लेवासियों इसलिए खड़ा हो गए क्योंकि शहर का समुचित विकास नहीं किया जा रहा है। कब से ये जाम आप लोगों ने किया और कितने घंटे बीत गए? ये 2 घंटा हो गया जाम किए हुए। ये शहर का प्रमुख चौराहा है, यात्री को भी दिक्कत हो रही है, लेकिन यहाँ के यात्री भी खुल के समर्थन कर रहे हैं। उनका भी कहना है कि आज ये बन जाएगा जिससे सारे लोगों को यहाँ पे आसानी होगी और सब लोग अच्छे ढंग से जिंदगी को जी सकेंगे। क्या स्मार्ट सिटी के तहत यही काम किया जा रहा है? मैं महोदय आपसे विनम्र निवेदन करता हूं, क्योंकि इस ये शहर का एक प्रमुख चौराहा है, इसको कम से कम अच्छे ढंग से बनाया जाए जिससे कि किसी को प्रॉब्लम नहीं हो। देख सकते हैं किस तरीके से स्थानीय लोगों में आक्रोश बना हुआ है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। ये बीच धूप है, चिलचिलाती हुई धूप है। और क्यों आज आप लोगों को सड़क पर बैठना पड़ा और क्यों आज प्रदर्शन करें, क्या डिमांड है आपका? सर 14/4/2022 को ये नगर निगम के तहत स्मार्ट सिटी के तहत नाले की खुदाई हुई और 26 तारीख से उस नाले से पानी की निकासी तक नहीं हुई। मैंने 26 तारीख को हम लोगों ने मिलकर स्मार्ट सिटी में एक लेटर दिया, जिसकी रिसीविंग कराएगी उसकी कॉपी जिलाधिकारी महोदय, नगर आयुक्त महोदय और पटना विकास नगर आवास मंत्री तीनों को दिया गया। 26 तारीख से आज तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। 10 दिन पहले एक बच्चा गिर गया जिसको रात भर सदर हॉस्पिटल में हम लोगों ने भर्ती कराया और यहीं आगे चौराहा पे गोकुल स्वीट्स के सामने नाले की खुदाई की गई और 2 दिन के अंदर उसको ढलाई कर दिया गया। ऐसा क्यों? मेरे को इस क्यों का जवाब चाहिए, क्योंकि वहाँ पैसे लेके पैसे का खेल का कमाल हो रहा है और यहाँ गरीब तबके के लोग हैं, भूजा चना अंडा बेच कर अपना गुजारा चलते हैं, सब आदमी का खाने को मजबूर है, भीख मांग के कर्जा करके खा रहे हैं। यहाँ पानी 6 महीने से नाला का पाइप कटा हुआ है, वो भी नहीं। इसलिए ना मैंने 14/5 को जिलाधिकारी, हम आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए वो स्कूली बच्चे जो हैं वो स्कूल बस फंसने के कारण, जाम में फंसने के कारण स्कूली बच्चे जो हैं वो पैदल आ रहे हैं। इसके जिम्मेवार कौन है, नगर निगम है या जिला प्रशासन है, ये यहाँ के लोग पूछ रहे हैं कि क्यों स्कूली बच्चों। मैंने 14/5 को जिलाधिकारी को एक आवेदन दिया कि अगर 17/5 तक हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं हुई तो हम लोगों ने 17/5 को दिन के 10 बजे से रोड को बाध्य करेंगे और इसके लिए मेडिकल वगैरह एम्बुलेंस सब फ्री किया जाए। इसकी कॉपी अनुमंडल अधिकारी पूर्वी को रिसीव कराया गया, डायरेक्टर स्मार्ट सिटी, नगर आयुक्त और ब्रह्मपुरा थाना सबको रिसीव करा के तब हमने ये रोड बंद किया। अभी तक जिला प्रशासन की तरफ से कोई भी सुनवाई नहीं हुई, न कोई हम लोगों को जवाब मिला। 2-3 घंटे बीत गए, अभी जिला डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब की गाड़ी फंसी थी, उन्होंने बोला कि हमको जाने दीजिए। आपको अंदाजा भी है कि आप जिस इमली चट्टी चौक को जाम किए हैं वो जाम कहां तक चली गई है? ये जाम कहां तक चली गई मैं इसका तो अंदाजा नहीं लगा सकता, लेकिन जिसको लेकिन जितने लोग फंसे हुए, जितने लोगों को तकलीफ हुई, मैं उनको अपने तहे दिल से पूरा मोहल्ला वासियों से क्षमा मांगता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग मेरे साथ रहिए, क्योंकि बच्चे यहाँ
भूखे मर रहे हैं और बीमारी से पीड़ित हैं और सबका रोजी रोटी बंद हो गया, सब लोग रोड पे आ गया। अगर 24 घंटे के अंदर नाले की ढलाई नहीं की गई और पानी की व्यवस्था नहीं की तो ये जाम नहीं हटेगी। क्या मूल समस्या क्या है? मूल समस्या अभी यहाँ पर नाला के खुदाई की वजह से है। पूरे शहर में तो ये प्रॉब्लम चल रही है। स्मार्ट सिटी शहर में जो भी रास्ता बने हम लोग को उसमें बाधा नहीं देना चाहते हैं। हमें हम लोग को यहाँ रोजी रोटी में हम लोग को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। हम लोग को आने जाने का कष्ट होती है। पानी का समस्या हमको 6 महीना से विगत से है। 3 महीने से स्मार्ट सिटी तहत वाले बोलते हैं कि नगर निगम समझे, नगर निगम कहते वो आपने पार्षद को बोलिए, मैं पार्षद को बोलता हूँ, बोलते हैं वहाँ पर जाइए। यहाँ डंपिंग का इतना समस्या कर चुका हुआ कि उससे भी हम लोग को प्रॉब्लम बदबू होती है। घर में पानी नाला का घुसा हुआ है, उस पर कीड़ा महसूस घुस रही है। कितने दिनों से पानी जमे हुए हैं मोहल्ले और घरों में? ये मोहल्ला में कम 40 से 45 दिन से ऊपर हो चुका हुआ है। जब से नाला यहाँ खुदाई हुई है तब से ये पानी का लगातार इन लोगों के द्वारा नगर निगम और जिला प्रशासन को बताया जाता है, लेकिन जिला प्रशासन और नगर निगम इस चीज की इस बातों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो इस वक्त जिस जगह पे मौजूदगी है वो शहर का हॉट स्पॉट कहा जाता है, इमली चट्टी। यहाँ से उत्तर बिहार क्या पूरे बिहार के लिए बस खुलती है, यहाँ से लोग आते जाते हैं। तो साफ तौर पे पिछले 3 घंटे से ये सड़क जाम है और तकरीबन ये जाम 3 से 4 इधर टावर चौक कहाँ कहाँ तक आपको लेके जाएं, पूरी लंबी लंबी कतार लगी हुई, स्कूल की कई बसें फंसी हुई है। अब देखना यह है कि कब जिला प्रशासन के कोई अधिकारी यहाँ पे आते हैं और इनको ठोस आश्वासन के बाद ये जाम समाप्त होता है। मैं अपने सहयोगी निकेश चंद्रा के साथ सोनू शर्मा, सिटी न्यूज, मुजफ्फरपुर। जिले में तापमान अचानक 4 डिग्री बढ़ने से आम जनजीवन हुआ प्रभावित। दिन भर लोगों के पसीने छूटने लगे। जिले में तापमान में 4 डिग्री की उछाल के बाद भीषण गर्मी से जनजीवन बेहाल हो गया है। सोमवार को अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड दर्ज किया गया था, वहीं मंगलवार को 36 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। भीषण गर्मी के दौरान दोपहर में सड़कों पर भीड़ एकदम से कम हो गई। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर बिहार में गर्मी का सितम 2 दिन और चलने वाला है। यदि सब कुछ सामान्य रहा तो 2 दिन के बाद उत्तर बिहार के कई जिलों में बूंदाबांदी की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार और शुक्रवार को आकाश में बादल छाएंगे, लेकिन गर्मी बरकरार रहेगी। इसके बाद मौसम में बदलाव की संभावना है, तेज हवा भी चल सकती है। अधिकतम तापमान में गुरुवार से पहले कमी आने की संभावना कम है। बारिश के बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री की कमी आ सकती है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन में अधिकतम तापमान में 2 डिग्री की और बढ़ोतरी हो सकती है, वहीं न्यूनतम तापमान में भी 3 डिग्री की बढ़ोतरी होने की संभावना है। गर्मी से राहत पाने के लिए लोग नारियल पानी, गन्ने का रस, आम का पन्ना और अन्य फलों के रस का सहारा ले रहे हैं। भीषण गर्मी में फल दुकानदार भी गर्मी से सूख रहे फलों को छिपाने की छींटे देकर बचाते नजर आए। वहीं पैसे वाले तो महंगी गाड़ियों में एसी फुल कर गर्मी से बच रहे हैं और गरीब सड़कों पर गमछे और छाते के सहारे गर्मी से बचते दिखे। प्रचंड है और इस गर्मी को देख के हमको तो लग रहा है कि बहुत जल्दी चमकी बुखार जो उठता था वो गरीबों में काफ़ी मात्रा में बढ़ना शुरू होगा। कितने बच्चे मरेंगे इसकी कोई अब मतलब था नहीं है, लेकिन जिला प्रशासन तो नियंत्रण कोई नियंत्रण नहीं है। ये कहावत है कि हमने ये काम किया, लेकिन काम का रिजल्ट कहाँ है? आज भी चमकी बुखार का कुछ न कुछ हॉस्पिटल में जाने के बाद आपको बच्चे मिल जाएंगे। क्या स्थिति लग रही? 2 बच्चे अभी एडमिट भी हैं। बाजार की क्या स्थिति लग रही? बाजार की यह स्थिति है कि गरीब जो रोजमर्रा का जीवन व्यतीत करने वाले हैं उनको गर्मियों में काम करना भी कठिन हो गई है और काफ़ी लोग मरने की स्थिति में आ चुके हैं। और इस गर्मी का और आने वाले समय में इससे भी प्रचंड गर्मी बढ़ने वाली है। नेपाल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में भाग लेंगे बिहार के कुल 10 खिलाड़ी। नेपाल के काठमांडू में 25 से 30 मई तक आयोजित होने वाली माउंट एवरेस्ट अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप 2022 में भाग लेने को लेकर मंगलवार को रास वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स क्लब में इंडिया जेंडुसिन कराटे फेडरेशन के तत्वाधान में चयन ट्रायल रखा गया और अलग अलग कैटेगरी में बिहार के कुल 10 खिलाड़ियों का चयन इंडियन टीम में किया गया। ये सभी चयनित खिलाड़ी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह चयन ट्रायल इंडिया जेंडुसिन कराटे फेडरेशन के चेयरमैन सिहान राहुल श्रीवास्तव व ऑब्जर्वर सुनील कुमार व आईएएस चंद्रमोहन सिंह के देख रेख में संपन्न हुआ। जो है राजवर्ल्ड मार्शल आर्ट क्लब में इंडिया जेंडुसिन कराटे फेडरेशन के तत्वाधान में
माउंट एवरेस्ट इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप के लिए चयन ट्रायल आयोजित किया गया। इस चयन ट्रायल में लगभग 30 से ज्यादा खिलाड़ी भाग लिए, जिसमें की 10 खिलाड़ियों का चयन किया गया। यह प्रतियोगिता नेपाल के काठमांडू में 25 से 30 मई को आयोजित होना है। इस प्रतियोगिता में जो चयनित खिलाड़ी हैं उनका नाम इस प्रकार है: सूरज पंडित, हिमांशु राज, आशिफ अनवर, सरफराज सिद्दीकी, नासिर फिरोज, क्रिश राज, स्वीटी कुमारी, आस्था व आस पहुजा। इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरियागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। जीनियस क्लासेस। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट आवर वेबसाइट www.geniusclasses.in और ईमेल अस ऑन info@geniusclasses.in। रजिस्ट्रेशंस आर ओपन and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। छोटे सरैयागंज में उत्तर बिहार का पहला मिल्क मैजिक एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है। हमारे यहाँ घी, दही, बटर, पनीर, खोया और चीज मेयोनीज के साथ काला जामुन तथा रसमलाई मिलती है, वो भी बाजार से सस्ते कीमतों पर। साथ ही सभी विशेष छूट भी दी जाती है। इसके अलावे इस शोरूम में बीकाजी के सभी प्रोडक्ट भी रखे गए हैं, तो एक बार इस शोरूम में जरूर पधारे। मुजफ्फरपुर में पहला नॉर्थ बिहार का एक्सक्लूसिव शोरूम मिल्क मैजिक का शुभारंभ होने जा रहा है, और यहाँ आपको मिल्क से संबंधित सारे प्रोडक्ट जो भी बाजार में है उनसे आपको कम रेटों पर यहाँ उपलब्ध है। और सालों भर यहाँ लगभग कंपनी के आउटलेट में इस कुछ न कुछ कंज्यूमर स्कीम चलता रहेगा, और एक बार जरूर सेवा का मौका दें। और इसके साथ साथ पिताजी का भी एक्सक्लूसिव पीछे शोरूम हम लोग किए हैं, जिसमें आपको एक्सक्लूसिव रेटों पर उपलब्ध। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ाघाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है, तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ाघाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और
इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के ज्वाइंट वेंचर से अखाराघाट रोड में केएफसी के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है, आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। कैरियर एंड ग्लैमर इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा आयोजित किया जा रहा है नॉर्थ बिहार का सबसे बड़ा पेजेंट शो, जिसकी शुरुआत मुजफ्फरपुर शहर से की जा रही है। इस शो में 4 साल से 14 साल के बच्चे प्रतिभागी होंगे, जिसका क्राउन लॉन्चिंग 27 मार्च को यूफोर्निया रेस्ट्रो एंड कैफे भगवानपुर संचालक अभिषेक जी के यहाँ माननीय मेयर श्री राकेश कुमार पिंटू जी और माननीय नगर विधायक श्री विजेंद्र चौधरी जी के द्वारा किया गया है। ऑर्गेनाइजर रमन सिंह राठौर एवं मोहम्मद तौफीक अहमद ने बताया है कि इसका ऑडिशन 3 चरणों में किया जाएगा, जिसमें चुने हुए प्रतिभागियों को देश के विभिन्न राज्यों में उच्च स्तरीय कोरियोग्राफर, डिजाइनर, मॉडल, फोटोग्राफर एवं वीडियोग्राफर इस शो के लिए प्रशिक्षण देंगे, जिससे बच्चों के अंदर छुपी हुई प्रतिभा उजागर होगी, ताकि वो भविष्य में अन्य क्षेत्रों में अपना 100% प्रदान करेंगे। एवं हमारी कंपनी द्वारा फिजिकल डिजेबल्ड बच्चों को भी अपना प्रतिभा दिखाने का मौका देगी और जिनसे किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, जिसका ग्रैंड फिनाले 29 मई को जवाहरलाल रोड में उपस्थित चैंबर ऑफ कॉमर्स में आयोजित किया जाएगा। कृपया ऑडिशन एवं स्पॉन्सरशिप के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। हमारा नंबर है 7050302926, 9308886333, 8434610113 और 7903194675। International School. If you want to give your child a strong foundation, the school of your dream. Play to 10th based on CBSE curriculum. हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल CCTV कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारें। हमारा पता है बांध रोड, शेखपुर, अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। आवर कॉन्टैक्ट नंबर इज 8757652616 एंड 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छे तरीके से व्यवस्था है।
क्लासरूम सारा बना हुआ है, सीसीटीवी कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है, सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं आई हैं पढ़ाने के लिए वो काफी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है, हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है, कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं, हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोती झील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रिमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैक बेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध है। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में एक पीस के खरीद पर 20% तथा दो पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है, तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता है विकास कलेक्शन बीवी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार मोती झील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ पहले आप लोग का नमस्कार, मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोती झील में लगन के सुबह सब के लिए कोट पैंट ब्लेजर विंटर के जैकेट स्वेटर मतलब सब चीज़ है, शेरवानी अंडर गारमेंट सारे चीज सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम कर देते रहते हैं अभी मोस्टली। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है, आइए बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने पर हिंदूवादी संगठन के सदस्यों ने जमकर आतिशबाजी की। ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में शिवलिंग मिलने के दावे के बाद पूरे देश में हिंदू समाज में खुशी का माहौल दिख रहा है। वहीं मंगलवार की सुबह बाबा गरीबनाथ मंदिर के सामने पुजारियों और हिंदूवादी संगठनों ने हर्ष जताते हुए जमकर आतिशबाजी करते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाकर एक साथ होली और दिवाली मनाई। वहीं अभिषेक पाठक का कहना है कि ज्ञानवापी में बाबा महादेव के प्रकटीकरण ने देश की सनातन हिंदू परंपरा को एक पौराणिक संदेश दिया है, जल्द से जल्द वहां पर भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए। 1669 से तपस्या में लीन नंदी महाराज जी की तपस्या आज सफल हुई। ज्ञानवापी परिसर में 12 फीट 8 इंच के पन्ना से बने शिवलिंग के निकलते ही सभी सनातनी भाइयों में, सभी मुजफ्फरपुर के सनातनी भाइयों में उत्साह का माहौल है। और आज बाबा गरीबनाथ के दरबार में हम सभी मुजफ्फरपुर के सनातनी भाइयों के द्वारा पटाखा फोड़कर और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर इस शुभ अवसर का उत्साह मनाया गया। डकैती की योजना बना रहे पूरे 5 शातिर अपराधियों को पुलिस ने हथियार के साथ गिरफ्तार किया। जिला पुलिस ने डकैती की योजना बना रहे 5 शातिर अपराधियों को छापेमारी के दौरान हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। सभी अपराधी पहले से ही बचहा थाना कांड के कई मामलों में फरार चल रहे थे। SSP जयंत कांत ने मंगलवार को प्रेस वार्ता कर मामले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिले में अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान बुचहा थाना अध्यक्ष को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी NH 57 स्थित मझौली चौक के पास कुछ अपराधी इकट्ठा होकर अपराध की योजना बना रहे हैं। इसी दौरान बुचहा थाना अध्यक्ष ने विशेष टीम का गठन कर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान 5 अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से लूटी हुई 1 ग्लैमर मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल फोन, 3 कट्टा और 5 जिंदा कारतूस बरामद किया गया। इन अपराधियों के खिलाफ बुचहा थाना में कई आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज हैं। सभी अपराधियों में 4 बुचहा और 1 मुसहरी के रहने वाले हैं। तो जिला में अपराधियों के विरुद्ध चल रहे अभियान में बुचहा SHO को सूचना मिली कि कुछ अपराधी बुचहा थाना क्षेत्र में इकट्ठा होकर और लूटपाट की रोड पे लूटपाट की घटनाएं करने के मद्देनज़र इकट्ठा हुए हैं। इस मामले में बनाई गई SHO बुचहा द्वारा मौका वारदात पर रेड की गई। रेड के दौरान 5 व्यक्तियों को मौका वारदात से अरेस्ट किया गया, जिनके पास से 3 कंट्रीमेड वेपन, 5 गोलियां बरामद की गई। और जब इनसे आगे पूछताछ की गई
तो इन्होंने लगभग आधा दर्जन केसेस में उस क्षेत्र के अपनी संलिप्तता स्वीकार की है और इनके पास से पूर्व में लूटा गया लूटी गई एक बाइक, मोबाइल और अन्य सामान भी बरामद हुए हैं। बाहर का भी गिरोह है या सब लोकल है? ये लोग लोकल हैं, ये लोग पहले सभी का आपराधिक इतिहास है, ये पहले 2021 में पहले भी जेल जा चुके हैं आर्म्स एक्ट में और लूटपाट के केसेस में, इनसे आगे पूछताछ की जा रही है। ऑर्गेनाइज्ड तरीके से लूटपाट करते हैं। ये लोग बोचहा थाना क्षेत्र के रफाड़ा एरिया के रहने वाले हैं, पहले से भी ये लोग इस तरीके के केसेस में इन्वॉल्व रहे हैं और ये लोग हर शाम इकट्ठा होते थे, इकट्ठा होने के बाद में वहाँ रोड पर रह गिरोह को लूटते थे। इस प्रकार के कई अन्य गैंगों पे भी पुलिस की नज़र है जिनके ऊपर विशेष अभियान चल रहा है। अभी तक के इनसे पूछताछ चल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि आगे ये सामान कहाँ पर अपना किसको बेचते थे और इनका रिसीवर कौन है, इसके ऊपर ज्यादा कार्रवाई चल रही है। भाकपा माले के सदस्यों ने सहारा इंडिया पारा बैंकिंग के जोनल ऑफिस परिसर के बाहर प्रदर्शन किया। सहारा इंडिया समूह की ओर से निवेशकों के भुगतान न करने के विरोध में मंगलवार को भाकपा माले ने ब्रह्मपुरा स्थित सहारा इंडिया के क्षेत्रीय कार्यालय पर एकत्रित होकर जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों को देख सहारा इंडिया के पदाधिकारियों ने ब्रह्मपुरा थाना से पुलिस बल की मांग की। थोड़ी ही देर में सैकड़ों की संख्या में पहुंचे पुलिस बल और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर वकझक हुई। इस दौरान सहारा इंडिया कार्यालय के मेन गेट में ताला मार दिए जाने से नाराज भाकपा माले के सदस्यों ने दरवाजे के समीप ही प्रदर्शन करते हुए मुख्य सड़क को जाम कर धरने पर बैठ गए। भाकपा माले के जिला सचिव सूरज सिंह ने बताया कि लाखों जमा कार्यकर्ताओं की जमा राशि सहारा इंडिया के द्वारा समय पूरा होने के बावजूद अदा नहीं किया जा रहा है, जिसे लेकर उन्होंने सहारा इंडिया के पदाधिकारियों को पूर्व में ही ज्ञापन सौंप धरना प्रदर्शन की जानकारी दी थी। इसके बावजूद सहारा इंडिया के पदाधिकारियों ने गेट में ताला मार दिया और पुलिस बल को बुला लिया, जिससे भाकपा माले कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश है। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती तब तक चरणबद्ध आंदोलन चलता रहेगा। पैसा जमा किए हैं, पैसा हम लोग का नहीं मिल रहा है 12 साल से, तो मिल जाएगा हम लोग का क्या परेशानी रहेगा? हम लोग गरीब आदमी है, मेरा पति गुजर गया, पैसा मांगने गया, हम लोग का नहीं दिया पैसा। पति भी गुजर गया तभी भी पैसा नहीं दिया हमको। इतना कर रहे हैं पैसा पैसा जमा करने गया, क्या किया कि बोलू पैसा जमा कीजिए ना, हम लोग है ना, हम लोग देंगे पैसा, वो नहीं देगा था अखनी पैसा कहते हैं देने के लिए, तो कह रहा है कि बोलू नहीं देता, हम कहाँ से दे। इंडिया बिहार के 1 करोड़ निवेशकों का पैसा सहारा इंडिया ने लिया, लोगों ने इस पे विश्वास किया, सरकार ने इसको लाइसेंस दी काम करने के लिए, उसके लाइसेंस के आलोक में बिहार के गरीबों ने सहारा इंडिया को पैसा दिया। और जब जिनको पैसा वापसी के का बात हुई तो उस समय सहारा इंडिया ने पैसे को बिना कस्टमर के सहमति से पैसे को डाइवर्ट कर दिया, पैसे को डाइल्यूट कर दिया। और उसके बाद अब बार बार वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर झूठ बोल रहे हैं, बार बार वो सुप्रीम कोर्ट को मिसगाइड करने का काम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने तमाम निवेशकों का पैसा लौटा दिया। और आप देखिए कि आज ये जितने लोग यहाँ पर आए हुए हैं, इन तमाम लोगों का सहारा इंडिया में पैसा है। हम लोग यहाँ पर इसी सवाल को लेकर आए कि आप पैसे के भुगतान कब शुरू करिएगा, आप इस बात की गारंटी करिए। ये तमाम लोग गरीबों ने पैसा बहुत मेहनत से खून पसीने से पैसा लोगों ने जमा किया है और आप तमाशा कर रहे हैं। आपके पास जब लोग जा रहा है तो आप सेबी के पास भेज दे रहे हैं, सेबी के पास लोग जा रहा है तो सेबी कोर्ट के पास भेज दे रहा है। आम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे? सरकार की जवाबदेही, पटना दिल्ली की सरकारों की भी जवाबदेही है कि बिहार के इन्वेस्टर का पैसा है, ये पैसे इन पैसों की सुरक्षित वापसी कैसे होगी, इस वापसी पर वो सरकारें बात करें। लेकिन देख रहे हैं जब नीतीश जी के जनता दरबार में लोग जा रहे हैं तो नीतीश जी कह रहे हैं कि सहारा इंडिया में पैसा जमा करने के लिए कौन बोला था आपको, बताइए सरकार के। आज यहाँ पे मंडल कार्यालय का घेराव है, हम लोगों ने सूचना दे दिया था SDO पूर्वी साहब को कि आज मंडल कार्यालय का घेराव हम करेंगे। हमारा बिल्कुल शांतिपूर्ण यह प्रदर्शन था, हम चाह रहे थे कि अंदर चूंकि इतना धूप है, गर्मी है और यहाँ पर सड़क जाम हो जाएगा, हम लोग अंदर में वहाँ पे जाते और अंदर जाके दरी बिछा के वहाँ पर बैठ जाते चुपचाप और वहाँ पर से वहाँ बात हो जाती। लेकिन आप लोगों ने देख लिया कि जिस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था की गई है, अब हम लोग बात होकर खड़ा भी रहेंगे तो भी सड़क जाम हो जाएगा। मीनापुर इलाके के मानिकपुर गाँव में दामाद ने ससुर और साले पर मारपीट और लूट का आरोप लगाते हुए SSP को ज्ञापन सौंपा। मीनापुर थाना क्षेत्र के मानिकपुर गांव से एक अजीब मामला सामने आया है।
जहां एक दामाद ने ससुर और साला पर मारपीट कर घर का सामान लूटने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। इसी मामले में मंगलवार को दामाद ने एसएसपी को आवेदन देकर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। दामाद अनवर अंसारी का आरोप है कि उसकी पत्नी मायके में है। जब वह उसे लाने गया तो साढ़ू ने उसकी साइकिल मोबाइल छीन लिया और उसके पत्नी को आने से मना कर दिया। दरअसल वर्ष 2011 में मीनापुर थाना क्षेत्र के विसुनपुर गांव में अनवर अंसारी की शादी हुई थी। शादी के बाद ही दोनों में अनबन शुरू हो गया। किसी तरह दोनों साथ रह रहे थे। अनवर अंसारी के दो बच्चे भी हैं। दोनों एक साथ अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। इसी दौरान 17 अप्रैल को फिर दोनों में अनबन शुरू हुई। बात इतनी बढ़ गई कि उसकी पत्नी मायके चली गई। इसी दौरान अनवर अंसारी का आरोप है कि ससुराल पक्ष के लोग घर पर पहुंचकर घर का सारा सामान लूट लिया और जब मैं अपनी पत्नी को लाने मायके गया तो मेरे बड़े साढ़ू ने मेरा साइकिल मोबाइल फोन और 10,000 छीन लिया और पत्नी को आने नहीं दिया। अनवर अंसारी ने एसएसपी से मिलकर आवेदन सौंपा है। हमारे घर पे 9 बजे रात के आके लूट मार करके पूरा सामान लेकर चला गया। उसके बाद मेरा सारू अपने घर पे बुलवा के किडनैप करवा दिया। ससुराल वाले के हाथ में थमा के मुझे मारा। 10,000 रुपये और मोबाइल, मेरा एंड्रॉयड सेट है अभी सर, अभी चल रहा है मोबाइल, चल रहा है 12 बजे रात तक। मेरा आईडी है, मेरा सब कुछ है, बात कर रहा है सर। कौन किया आपके घर पे लूटपाट, कौन किया? ये मेरा ससुर थे फिरोज अंसारी, शौकत अंसारी साला है, और मेरा सारू है कासिम अंसारी, उनका मैडम है मेहरून अंसारी, मेहरून खातून। क्या है इसे किया है? सर मुझे तो समझ में नहीं आया, मैं घर पे नहीं था जब वो घर में लूट के अंजाम दिया था। हम घर पे नहीं थे सर, मेरे माँ बाप कोई नहीं है। और किसी को ले गया है? और किसी को नहीं ले गया, सिर्फ मेरा साइकिल और मोबाइल उसके पास अभी जब्त है सर। विषय का जांच है, आप जांच कीजिए, देख सकते हैं। पत्नी या बच्चा कहाँ है? पत्नी बच्चा मैके है, मैं लाना है। मेरी पत्नी आने के चाह रही है कि मैं जाऊँगा पुराने घर पे, लेकिन मेरा ससुर मेरा बराबर वाला साला आने नहीं दे रहा सर। बोला नहीं जाने दूंगा, बोलो यहीं रहेगा। बोलो थाना पर शिकायत किया, मीनापुर थाना शिकायत किया तो नहीं पे एप्लीकेशन दिया सर, नहीं वो कुछ सुनवाई हुआ। उसके बाद पूर्व आज एसपी साहब का आवेदन दिया है। आगे क्या चाह रहा है? आगे चाह रहा है कि मेरा बाल बच्चा वापस हो जाए, मेरा फैमिली वापस हो जाए। आज की खबरों में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।